नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपके स्कूल और कॉलेज बहुत जल्दी खोल दिए जाएंगे, और अब आपके सामने वही खबर आ रही है कि 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल 5 तारीख से खुल जाएंगे। तो अभी तक सिर्फ 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट आ रहे थे स्कूल में, अब 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी स्कूल में आना शुरू करेंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क के लिए। ठीक है, तो 9वीं और 11वीं के बच्चे भी फरवरी 5 से जाना शुरू करेंगे स्कूल, और उनका एग्जाम होगा 15 मार्च से। उनके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे मिड टर्म वाले 9वीं और 11वीं के, तो वो भी ध्यान रखें कि आपके एग्जाम हो जाएंगे ऑफलाइन, और वो भी 15 मार्च से। अब बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज के लिए मैं ऐसे पहले भी बताया था आपको कि फरवरी के मंथ में स्कूल खुलने की पूरी पूरी संभावना है, तो 5 तारीख के बाद कॉलेज भी आपके खोल दिए जाएंगे। आपको सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा है साफ साफ कि कॉलेज और पॉलिटेक्निक IIT संस्थानों में भी खोले जाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, सब खोले जाएंगे, और डेट ये रहेगी आपकी 5 फरवरी। और वहाँ पर क्या होगा बता देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए थोड़ा लिखा हुआ है आगे, कॉलेज पॉलिटेक्निक और IIT संस्थानों को भी अनुमति दे दी गई है कि वो अपना कॉलेज स्कूल जो भी उनका है खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके बाद फरवरी से ही बच्चों को वहाँ पर कॉलेज में जाना अलाउड कर दिया जाएगा। हालांकि वहां पर अटेंडेंस जो है वो आपकी कंपलसरी नहीं होगी। ठीक है, तो फरवरी में क्या होगा, आपका कॉलेज जाना अलाउ कर देंगे लेकिन अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होगी। और जहां तक बात है फिर एग्जाम की, हम लोग बात करते हैं फिर किसकी, एग्जाम की। जैसे कि एग्जाम है, हमारे एग्जाम होंगे नहीं होंगे क्या होगा, तो आपको देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं दिखाई दी हुआ साफ साफ कि अब जो है हमारी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो भी स्कूल में ही होंगी। ठीक है, स्कूल 10 महीने तक बंद था लेकिन अब दोबारा कॉलेज स्कूल और कॉलेज खोल दिया गया, और अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसे कि हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम कंप्यूटर के होंगे, तो अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसका एग्जाम कॉलेज में ही होगा मार्च में। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके जो एनुअल एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल में। मेरे हिसाब से अप्रैल में आपके थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है SOL के, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, और NCVAP के, ये भी एग्जाम हो जाएंगे आपके शुरू कॉलेजों के अंदर। और पॉसिबिलिटी है NCVAP के कॉलेज खोल दिए जाए फरवरी में, आपको कॉलेज बुला लिया जाए क्लास के लिए, क्योंकि SOL की क्लास तो खत्म हो गई है तो उनको तो अब नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ एग्जाम के लिए SOL के बच्चे जाएंगे। लेकिन जो NCVAP के स्टूडेंट हैं वो भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, क्लास चल रही है उनकी ऑनलाइन, तो उनको अब कॉलेज में फरवरी से बुलाया जा सकता है। फरवरी 5 के बाद कभी भी एक नोटिस आपका आ जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की और स्कूलों की सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही, फरवरी में आपके कॉलेज और स्कूल खुल जाएंगे। SOL के लिए स्टूडेंट्स को जाना नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो क्लास खत्म हो चुकी है अभी थर्ड सेमेस्टर की। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर में आपको जाना होगा, आपका प्रैक्टिकल पेपर कॉलेज के अंदर होगा, आपके एग्जाम भी 11वीं 12वीं के, 9वीं के, 10वीं के और कॉलेज के सभी ऑफलाइन मोड में होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।